मेरा एक दोस्त है जिसका मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट वो पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता है। तकरीबन एक या दो महीने पहले की बात होगी, उसने मुझे कॉल किया था। हम दोनों के बीच लगभग एक घंटा फोन पे बात हुई और वो मुझे बता रहा था कि उसने एक स्टॉक खरीदा था पिछले साल जिसने उसे 400% के रिटर्न्स दिए और उस शेयर का नाम था सुजलोन एनर्जी। एक साल पहले तक ये एक पेनी स्टॉक था। इसका प्राइस फरवरी 2022 में 2 रुपए के आसपास था, जो कि आज 44 रुपए पे आ पहुंचा है। इसी कारण मेरे उस दोस्त को इतने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स मिले हैं, बट मेरी नजरों में ये कोई अच्छी बात नहीं थी। ये एक ट्रैप था जिसमें मेरा वो दोस्त मुझे फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उसे तभी अलर्ट कर दिया था कि देखो, ये कंपनी कई सालों से घाटे में चल रही थी और अब अचानक इस साल इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, जिस कारण इसका शेयर प्राइस भी एडजस्ट हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी में अभी तक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बात नहीं है कि ये तुम्हें फ्यूचर में वॉरेन बफेट बना दे। स्टॉक इन्वेस्टिंग ऐसे वर्क नहीं करती। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे ही 2-3 रुपए के शेयर्स खरीद के वेल्थ बना लोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। बट उसके अकॉर्डिंग मैं उम्मीद से ज्यादा पेसिमिस्ट हो रहा था। उसने मेरी बात को इग्नोर किया और पेनी स्टॉक से आकर्षित होना उसने नहीं छोड़ा। एक घंटा लंबी कन्वर्सेशन में मैंने उसे यही समझाया कि देखो, हो सकता है कि कोई पेनी स्टॉक ऐसा हो जो आने वाले डिकेड में चौंकाने वाली रिटर्न्स दे जाए, लेकिन जिस तरह तुम स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, ऐसे तो तुम वो एक स्टॉक कभी नहीं ढूंढ पाओगे, बिकॉज तुम केवल स्टॉक का प्राइस देख के उसमें कूद पड़ते हो। तुम्हें ज्यादा शेयर्स खरीदने से मतलब होता है। हाउएवर, स्टॉक्स में निवेश करने का एक्यूरेट तरीका है उनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करना। अगर तुम केवल स्टॉक्स के प्राइस पे बेट करते रहोगे, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग होगी, ना कि स्टॉक इन्वेस्टिंग, और ये एडिक्टिव हो सकती है। तुम्हें इसकी लत भी लग सकती है। बट वो मेरे लाख समझाने के बाद भी समझा नहीं। हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैं उसकी सक्सेस से जल रहा हूँ। हाउएवर, उसने पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना नहीं छोड़ा। कहता तो वो खुद को इन्वेस्टर है और वॉरेन बफेट को अपना गुरु भी मानता है, बट एक्चुअली वो जाने अनजाने में ट्रेडिंग की तरफ चला गया है। जैसे ही उसे कहीं से टिप मिलती है, जैसे कि आजकल YouTube पे ही काफी सारी वीडियोस चलती हैं जिनमें घटिया 2 कौड़ी के पेनी स्टॉक्स की टिप्स दी जाती हैं, इन्हीं वीडियोस को देख के वो आजकल पेनी स्टॉक्स में अंधाधुंध निवेश करे जा रहा है। कई बार तो वो इनके ट्रैप्स में भी फंसा है। जैसे कि एक बार उसने 2 रुपए का एक शेयर खरीदा जिसमें डेली 5% के अपर सर्किट्स लग रहे थे। अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स, ये दोनों टर्म्स के बारे में जो लोग नहीं जानते, तो उनको मैं बता दूं कि एक्सचेंजेस ने एक लिमिट सेट करी होती है शेयर्स के लिए कि कोई शेयर पर्टिकुलरली इतने परसेंट से ऊपर जाएगा तो उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और जब ऐसा होता है तो इसे अपर सर्किट कहा जाता है। सिमिलरली, जब शेयर्स एक लिमिट से ज्यादा नीचे गिरने लग जाते हैं तो उनमें भी ट्रेडिंग बंद हो जाती है और इसे लोअर सर्किट कहा जाता है, और ऐसा ज्यादातर पेनी स्टॉक्स में ही देखा जाता है। अपर सर्किट्स जब कभी किसी शेयर में लगते हैं तो लोग उसे पॉजिटिव साइन की तरह देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उस शेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ती है, चाहे फिर वो डिमांड आर्टिफिशियली ही क्यों ना क्रिएट करी गई हो। और ये आर्टिफिशियल डिमांड कैसे क्रिएट होती है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मेरे दोस्त की बात कर लेते हैं, जिसने 2 रुपए के शेयर में अपर सर्किट्स लगते देख के इन्वेस्ट किया था। उसने सुजलोन से जो पैसे कमाए थे, सभी उसने उस 2 रुपए के पेनी स्टॉक में लगा दिए, बिकॉज शायद वो सोच रहा था कि 2 उसका लक्की नंबर है और सुजलोन की ही तरह ये शेयर भी उसके पैसे मल्टीप्लाई करेगा। हाउएवर, उसके इन्वेस्ट करने के कुछ दिनों तक तो उसमें अपर सर्किट्स लगते रहे और शेयर प्राइस 2 से 20 का भी हो गया, लेकिन फिर अचानक से एक सेलिंग प्रेशर आया और उस शेयर में लोअर सर्किट्स लगने चालू हो गए। बाकी भोले निवेशकों के साथ साथ मेरा दोस्त भी उसमें फंस गया, बिकॉज जब लोअर सर्किट्स लगते हैं तो उस शेयर से एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय शेयर्स का कोई खरीदार नहीं होता, सभी केवल शेयर्स बेच रहे होते हैं। मेरा दोस्त उसमें बुरी तरह से फंस गया। वो रोज सेल ऑर्डर लगाता और रोज उसका सेल ऑर्डर कैंसिल हो जाता। उसे अपने पैसे रोज कम होते हुए दिखाई देते, जिस कारण उसकी रातों की नींद उड़ने लगी। वो पूरी रात केवल अपने ब्रोकर की स्क्रीन को ही देखता रहता और मार्केट के खुलने का वेट करता कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो सबसे पहला ऑर्डर मैं ही लगाऊंगा और किसी तरह से एग्जिट करके निकल जाऊंगा। 20 रुपए पे पहुंचा वो शेयर, इस बार 1 रुपए पे आ गया और बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त ने उससे एग्जिट किया, और अब वो शेयर 0.2 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कोई शेयर होता है क्या? तो होता है। इनफैक्ट ये देखो, इस शेयर का प्राइस 0.01 रुपीज है और इसका 0.03 रुपीज है। बात थोड़ी अटपटी जरूर है, बट जो है यही है। खैर, इतना लॉस करवाने के बाद अब वो और फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की तरफ घूम गया है, क्योंकि उसे अपना लॉस रिकवर करना है। अब उसके साथ क्या चल रहा है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर वो इसी माइंडसेट के साथ मार्केट में लगा रहा तो वो केवल अपने समय और पैसे का नुकसान करवाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाउएवर, पेनी स्टॉक्स की बात चल रही है तो देयर आर ऑल्सो सम रियल जेम्स जिन्होंने सच में अपने इन्वेस्टर्स को एक ग्रेट फॉर्चून बना के दी है, जिनमें से सबसे फेमस है लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट शेयर टाइटन। कहा जाता है कि जब राकेश झुनझुनवाला जी ने इस शेयर में एंट्री करी थी, उस समय ये शेयर केवल 3 रुपए पे ट्रेड करता था, और आज के समय की बात करी जाए तो इस शेयर की कीमत 3,500 रुपए के करीब है।
आज तो राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ के पास आज भी टाइटन कंपनी के 4,48,50,970 शेयर हैं। वैल्यू टर्म्स में 15,000 करोड़ के करीबन इनकी कीमत होगी आज के समय में। स्टॉक इन्वेस्टिंग की यही क्वालिटीज हैं जो इन्वेस्टर्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए सभी बड़े इन्वेस्टर्स की पहली पसंद जनरली स्टॉक इन्वेस्टिंग ही होती है। हाउएवर, स्टॉक्स खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट जनरली जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं आउट देयर वो फ्री में डीमैट अकाउंट तो ओपन करने देते हैं, बट उसके बाद भारी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी इन्वेस्टर से लेते हैं, जो कि काफी पेनफुल होता है हमारे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए। हमें अंदाजा भी नहीं होता और हम हजारों की ब्रोकरेज पे कर देते हैं, बट इस प्रॉब्लम को एक न्यू एज ब्रोकरेज हाउस कम्प्लीटली सॉल्व करता है और इस न्यू एज स्टॉक ब्रोकर का नाम है एम स्टॉक बाय मिराई एसेट्स। अब तक ये 145 करोड़ प्लस रुपए की ब्रोकरेज सेव कर चुके हैं। वंस यू साइन अप ऑन एम स्टॉक तो उसके बाद आपको अक्रॉस द सेगमेंट्स जीरो ब्रोकरेज पे करनी है, चाहे इंट्राडे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो या एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग हो, आप जीरो ब्रोकरेज पे करोगे। इवन फिर चाहे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट क्यों ना करना हो, वहां भी आप कोई कमीशन पे नहीं करोगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज इन्होंने सेव की है और 8.5 लाख क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं एम स्टॉक पे, और ये सब केवल एक साल में हुआ है। जी हाँ, पिछले एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। 3,71,000 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर रहा है, 900 करोड़ की एमटीएफ बुक है, 4 स्टार की ऐप रेटिंग है, 34 करोड़ प्लस के ट्रेड्स हुए हैं और क्लाइंट होल्डिंग 3,133 करोड़ की है। ई मार्जिन फैसिलिटी भी आप देख सकते हैं वन ऑफ द लोएस्ट है इंडस्ट्री में। नो लिमिट ऑन होल्डिंग पीरियड है और जीरो ब्रोकरेज है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। अब जरा प्राइसिंग भी देख लेते हैं। इनके दो प्लान्स हैं। 149 रुपीस वाला प्लान इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसकी जगह अब फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। इसमें अदर ब्रोकर्स की तरह ही आपको ब्रोकरेज पे करनी होगी। बट ₹999 वाला प्लान जो है इनकी मेन हाईलाइट है। इसमें आपको केवल वन टाइम ₹999 पे करने हैं और फिर आपको कोई ब्रोकरेज नहीं पे करनी है लाइफ लॉन्ग। यहाँ आप देख सकते हैं जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, F&O, इंट्राडे, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एंड करेंसी। एंड इसके साथ अगर आप ऑप्शनल में ₹999 का प्लान भी लेते हो, यानी ₹999 + ₹999 वन टाइम पे करते हो, तो आपका लाइफ टाइम AMC भी जीरो हो जाएगा, यानी कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। अब सवाल आता है कि हम एम स्टॉक को ट्रस्ट क्यों करें? तो एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंदर आता है और इनके पास $947 मिलियन है प्री टैक्स इनकम, $15.3 बिलियन की इक्विटी कैपिटल है और $535.6 बिलियन टोटल क्लाइंट एसेट्स है, यानी कि मिराई एसेट्स एक बहुत बड़ा फंड हाउस है एंड इट इज सेफ टू ट्रस्ट देम। सो ऑल एंड ऑल एम स्टॉक एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइटन कंपनी को। टाइटन कंपनी की पेनी स्टॉक से ब्लू चिप स्टॉक बनने की स्टोरी इन्वेस्टर्स को अक्सर बहुत लुभाती है, लेकिन वी शुड कीप इन माइंड कि ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं। टाइटन की सक्सेस के पीछे कई सारे रीजंस थे, वन ऑफ विच वाज उनकी मैनेजमेंट। टाइटन टाटा ग्रुप की कंपनी है एंड वी ऑल नो ये कितना प्रेस्टिजियस ग्रुप है। जनरली पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग एक एक्सट्रीमली रिस्की इन्वेस्टिंग कंसिडर की जाती है और ज्यादातर स्कैम्स इन्हीं में होते हैं, बिकॉज इनको मैनिपुलेट करना काफी इजी होता है और ये एक फाइनेंशियल ट्रैप भी साबित हो सकता है। कुछ अनएथिकल खराब दिमाग के लोग ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए और लाखों का स्कैम कर जाते हैं बिना नोटिस हुए। और वो ये कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। लेट्स से एक स्टॉक मैनिपुलेटर है जिसका नाम है मिस्टर डेविल। तो मिस्टर डेविल क्या करेगा कि वो एक पेनी स्टॉक को अपनी रडार में रख लेगा, कोई ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस बहुत कम हो, 2-4-10 रुपए हो, उसमें खुद नीचे के प्राइजेस पे पोजीशन बना लेगा और फिर फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देगा। जैसे कि वो कहेगा कि स्टॉक में आग लगने वाली है, इसने कोई बड़ी डील क्रैक करी है, इसमें FIIs बड़ी होल्डिंग उठाने वाले हैं, जैसी अफवाहें वो उड़ा देगा थ्रू सोशल मीडिया जैसे कि YouTube, Instagram या Facebook। या फिर वो कॉल करेगा और कहेगा कि सर मैं आपको फ्री में टिप दूंगा, मैंने एक स्टॉक रिसर्च किया है और वो जल्दी ही ₹2 से ₹200 का हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लो, पिछले कुछ ही दिनों में ये शेयर कई परसेंट ऊपर चला गया है। एंड जब आप भी शेयर को देखोगे तो सच में ऊपर जा रहा होगा, बिकॉज मिस्टर डेविल ने उसे पंप किया होगा, उसमें आर्टिफिशियल मूव लाया होगा। एंड ये देख के आप भी सोच में पड़ जाओगे कि अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं अपॉर्चुनिटी लूज कर जाऊंगा। एंड अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो समझो आप उसके ट्रैप में फंस गए। और केवल आप ही नहीं होंगे, और भी कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो इस ट्रैप में फंस जाएंगे और उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ जाएगी और स्टॉक प्राइस ऊपर जाता जाएगा। फिर जब स्टॉक प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा तो मिस्टर डेविल अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देगा और स्टॉक फिर से गिरने लगेगा, जिससे सभी इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाएंगे और पैनिक सेलिंग करने लगेंगे और फिर लोअर सर्किट्स लगने शुरू हो जाएंगे और आप तब तक पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक आपको हैवी लॉस नहीं हो जाता। मिस्टर डेविल तो अपना प्रॉफिट कमा के निकल भी जाएगा और आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कैम। दोस्तों, अब तक आप पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग से ठीक ठाक नफरत कर चुके होंगे
और इससे हमेशा के लिए किनारा करने का भी आपने सोच लिया होगा। और मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़े, बट एक तरीका है जिससे आप हेल्दी पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपका लक चमका तो आप अपने पैसे को 10 गुना या 100 गुना ही नहीं 1000 गुना भी कर सकते हैं। क्या है ये तरीका, समझते हैं पिंटू की मदद से। पिंटू एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अनुशासन के साथ हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचा के म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा वो कुछ मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी अपनी रडार में रखता है ताकि कभी उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सके टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न्स। हाउएवर पेनी स्टॉक से जनरली पिंटू दूर रहता है बिकॉज वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग बड़ी हाई रिस्क इन्वेस्टिंग है। लेकिन टाइटन जैसी स्टोरीज तो उसने भी सुनी हुई है और उसके भी बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है कि एक अच्छा पेनी स्टॉक कैन चेंज हिज इन्वेस्टमेंट करियर। सो एक बार क्या हुआ कि पिंटू ने आईटीआर फाइल करी तो उसे उसमें टीडीएस क्लेम हुआ जिसका अमाउंट था 50,000 रुपीज। ये उसके लिए एक एक्स्ट्रा मनी थी जिसे वो सोच ही रहा था कि किधर खर्च करे कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे कुछ पेनी स्टॉक्स पे बैट लेके देखूं, अदरवाइज भी तो ये पैसा मैं कहीं ना कहीं खर्च ही करने वाला हूँ। तो उसने क्या किया कि 5 पेनी स्टॉक्स चूज किए जिनमें हाई चांसेस थे सर्वाइवल के। वैसे तो पेनी स्टॉक्स के बारे में बहुत ही कम डेटा अवेलेबल होता है, बट पिंटू के पास जितना डाटा था उसी के आधार पे उसने ये 5 पेनी स्टॉक्स चुन लिए और एक ब्लाइंड बेट उसने ले ली। कुछ समय बाद पिंटू के 5 में से 4 स्टॉक्स डूब गए, बट एक स्टॉक 2 से 20 हुआ, फिर 20 से 200 हुआ और पिंटू के 10,000 20 लाख बन गए। वैसे तो देखो पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग एडवाइजेबल नहीं रहती, लेकिन जैसे कि पिंटू के पास एक्स्ट्रा पैसे थे जो अगर डूब भी जाते तो पिंटू को ज्यादा अफसोस नहीं होता, वैसे ही अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप वैसे भी किसी फालतू काम पे उड़ाने वाले थे तो आप उनका इस्तेमाल इस तरह की पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। ऐसा करना आपको एक एडर्लिन रश भी देगा और आपकी लाइफ में एक न्यू एक्सपीरियंस भी ऐड होगा, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपके अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर किया पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग को, लोअर सर्किट और अपर सर्किट्स को, साथ ही स्टॉक मार्केट में होने वाले पंप एंड डंप स्कैम को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस करिए और नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जरूर बताइए हमें कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन को भी चेक करिए और हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर एम स्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट खुलवा के उनकी जीरो ब्रोकरेज सर्विस का बेनिफिट उठाइए। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.